ऐसी चीजों पर, हेल्थ है, एजुकेशन है, राइट टू जस्टिस है, राइट टू एजुकेशन है, कंपलसरी एंड कॉमन हेल्थ है। आप सरकारी व्यवस्था खराब हुई तब तो माफिया है, जब कोई व्यवस्था खराब होती है तो नई व्यवस्था लागू होती है। इन लोगों को 40-40 हजार करोड़ रुपया हम बाहर में पढ़ने के लिए दे देते हैं, सिर्फ बिहार से 80 हजार करोड़ रुपया हम हेल्थ में दे देते हैं, 14 हजार से 40 हजार करोड़ रुपया सिर्फ एक्साइज से रेवेन्यू लिया है उत्तर प्रदेश, और हम कोलैप्स कर जाते हैं। हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ 6 हजार रुपया भी नहीं है। आप आर्थिक पर कैपिटा इनकम से ना आप जोड़िएगा, आप मैंने अभी वही कहा, यदि विज्ञान और तकनीकी को छोड़ दीजिए तो भारत ने किसी चीज में तरक्की नहीं की, सब चीज में 100 साल पीछे, सिर्फ तकनीकी और विज्ञान में हम प्रगति किए हैं। उसके अलावा आप किसी चीज पर बात कर ली, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, समाज के अंदर चीजों पे, ट्रांसपेरेंसी पे, फार्मर्स हमारा खत्म हो गया, 1,32,00,000 आदमी यहाँ से बाहर जाता है मजदूरी करने, हमारे पास मंडी नहीं है, हमारे पास कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, हम जीने के लायक नहीं हो पाते हैं, तो हमको आम आदमी की लाइफ का जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, एजुकेशन को हम 12th तक कंपलसरी कैसे करेंगे, किसी साक्षरता से कोई मतलब नहीं, हम साक्षरता को कुछ मानते ही नहीं। साक्षरता का क्या मतलब, योर लेवर टोटा ABCDZ, पप्पू यादव का बेटा टॉपर और आम आदमी का बेटा साक्षर। एजुकेशन का मतलब है जिससे हमारा जीवन 40 हजार रुपया का कम से कम इनकम का स्रोत हो, एक अच्छी जिंदगी हमारे बच्चे हमारा परिवार जी सके, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी भय और डर के अभाव के हम एक अच्छी लाइफ जी सके। हमारे भीतर कॉम्प्लेक्स है, हमेशा हम अभाव में और डर में जीते हैं, क्या हमारा प्रगति होगा? एक अभाव में डर में डरा हुआ इंसान क्या प्रगति कर सकता है? इसीलिए जब होगा तब मैं हूं जो चीज हूं दुनिया देखती है, निश्चित रूप से बेहतर होगा। 14 करोड़ बिहार और बिहारी दुनिया का निर्माण कर सकता है, दुनिया को अपनी ओर कर सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक लड़का अभी जैसे तरीके से टैटू बनाया है, मैं उस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ, अंबिका पासवान जी का लड़का है, बहुत गरीब लड़का है, यहाँ वो टैटू बना के बैठा हुआ, मतलब ये प्यार मिल रहा है, ये फैन फॉलोइंग मिल रहा है, इसके लिए क्या भैया? एक नहीं हजारों टैटू लोग बनाए हुए, लेकिन जो बच्चा हमको जानता नहीं है, कौशल नाम है, और ये बच्चा टैटू बना करके बैठा हुआ है कौशल पासवान, इस व्यक्ति के भीतर में कितना अरमान होगा कि इसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और पप्पू यादव से जिसका इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन हो, तो हम तो इसकी जिंदगी बदलने की ही तैयारी करेंगे ना, इसके सपने को पूरा करने की बात करेंगे ना, इसके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे ना, इसके विश्वास पर खड़े उतरेंगे ना। ना कोई उम्मीद है, ना कोई सपना देखता है बिहार में, ना कोई ट्रस्ट बचा है, ना ट्रांसपेरेंसी है कहीं, तो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन का गैप है। अब ये किसी से मिलना चाहे, हमसे बात करना चाहे, क्या होगा? बेफिक्र रहिए आप, क्या कहेंगे आप, सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं करना चाहिए, गरीबों के लिए भगवान, गरीबों के लिए भगवान है, युवाओं सर ऐसे बोल रहे हैं, गरीबों के लिए भगवान है। सर मैं अपने को भगवान तो इस जन्म में नहीं मान सकता, इनका